बेटमा में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पठान मूवी का विरोध किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने बेटमा के अंबेडकर चौराहे पर शाहरुख खान का पुतला फूंका और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बॉलीवुड के फिल्म अभिनेता व अभिनेत्रियों की सद्बुद्धि के लिए बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड मंत्री हेमंत पटेल ने बताया कि बॉलीवुड फिल्मों में डायरेक्टर हमेशा से सनातन संस्कृति को अपमानित करते आए हैं। वर्तमान में फिल्म पठान में दर्शाए गए एक गाने में भगवा रंग को बेशर्म रंग कहा गया है। जिस भगवा रंग को हमारी सनातन संस्कृति में देवी देवता का पूजनीय वस्त्र माना गया है, हमारे साधु संत भी भगवा वस्त्र धारण करते हैं, पर इस गाने में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के द्वारा जिस प्रकार अश्लीलता परसोई गई है और उसमें भगवा रंग के जिस प्रकार वस्त्र पहने हैं, यह निंदनीय है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने इसका पुरजोर विरोध किया। साथ ही मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि फिल्म पठान को प्रतिबंध किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो सनातन संस्कृति को बदनाम और अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कुठाराघात कर रहे हैं बॉलीवुड के हीरो डायरेक्टर अपने माध्यम से। केवल चार पंक्तियों दो पंक्तियों में करना चाहते हैं, जो प्रदेश सरकार से जो मांग है हमारी कि भविष्य में यथासंभव इन सारी इन प्रकार की पिक्चरों को से पूर्णतः बहिष्कार और इस पिक्चर का पूर्णतः प्रतिबंध मध्य प्रदेश में। और सीधा सा जवाब हमारी शैली में देना चाहते हैं कि वटवृक्ष विषबेल पालना भी जानते हैं और पठानों की पठानी निकालना भी जानते हैं। बस धन्यवाद। सीताराम नाम है जो अभी रिलीज होने वाली है, जिसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने जिस तरीके से भगवा रंग का अपमान किया है और जिस तरीके की नग्नता परोसी है, ये हमारे हिंदुस्तान में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इस मूवी को बैन किया जाए, और अगर इसे बैन नहीं किया गया तो सारे थिएटर्स को हम ये वार्निंग देते हैं कि बजरंग दल अपनी शैली में कार्य करना जानता है और हम उस हिसाब से ही फिर कार्य करेंगे। इसलिए हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि इस फिल्म को बैन किया जाए। जय जय।